दुनिया भर में वैज्ञानिक कोरोना वायरस वैक्सीन को तैयार करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। इसी बीच वैक्सीन को लेकर एक बुरी खबर आई है। दरअसल कोरोना वायरस वैक्सीन को तैयार करने में जुटी अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने वैक्सीन परीक्षण पर रोक लगा दी है। कंपनी ने कहा है कि परीक्षण में शामिल एक प्रतिभागी को किसी तरह की बीमारी हो गई है, जिसे देखते हुए अस्थायी रूप से परीक्षण पर रोक लगाई गई है। न्यू जर्सी स्थित इस कंपनी के प्रवक्ता जैक सार्जेंट ने स्वास्थ्य देखभाल समाचार प्रदाता स्टेट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट की पुष्टि की, जिसमें कहा गया है कि जॉनसन एंड जॉनसन ने परीक्षण पर रोक लगा दी है। इस महीने की शुरुआत में जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका में वैक्सीन तैयार करने वाली उन कंपनियों की सूची में शामिल हुआ जो प्रायोगिक कोरोना वायरस परीक्षण में आगे बढ़ते हुए मानव परीक्षण चरण के पहुंचा था। जॉनसन एंड जॉनसन की AD26 COV2S वैक्सीन अमेरिका में चौथी ऐसी वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में है। इससे पहले एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वैक्सीन के परीक्षण पर रोक लगा दी थी। परीक्षण के दौरान एक प्रतिभागी बीमार पड़ गया था, जिसके बाद कंपनी ने परीक्षण को रोक दिया था। हालांकि एस्ट्राजेनेका का कोरोना वैक्सीन परीक्षण दुनिया के कई देशों में जारी है, इसे केवल अमेरिका में ही रोका गया है। वहीं भारत की देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक कंपनी ICMR के सहयोग से बना रही है, वो सफलता के करीब पहुंच गई है। खबरों के मुताबिक कोवैक्सीन के अंतिम चरण का ट्रायल जल्द ही शुरू हो सकता है।